जैसे हम किसी बॉल को छोड़ देते, वो बॉल क्या करता, रोल करके यहां नीचे आके बताओ रुक जाता कि नहीं रुक जाता। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है, ये यहां पे जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है, दिस इज वेयर द मॉलिक्यूल स्टेज। ठीक है, दिस इज वेयर द मॉलिक्यूल स्टेज, मॉलिक्यूल स्टेज। तो बताओ मुझे इसके वाई एक्सिस, इसका जो एक्सिस एक्सिस है इसकी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो अगर मैं इसका इसको यहां पे एक्सट्रापोलेट करूं, अगर मैं सपोज इसको यहां पे एक्सट्रापोलेट करूं और इसको यहां पे इसको पकड़ूं, तो लेट्स नेम दिस, लेट्स कॉल दिस एज वाई नॉट एंड लेट्स कॉल दिस एज एक्स नॉट। तो व्हाट इज एक्स नॉट गाइज, एक्स नॉट क्या है बताओ भाई कोई। बॉन्डिंग न्यूक्लियस से, मतलब डोनर हाँ, का डिस्टेंस। न्यूक्लियस से डिस्टेंस, दूसरे न्यूक्लियस। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर क्या है, सिंस आर इज डिस्टेंस, क्योंकि आर खुद डिस्टेंस है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है गाइस कि एक्स नॉट इज द डिस्टेंस, एक्स नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, और दो एटम्स में भी वो डिस्टेंस कहां से कहां का है भाई। न्यूक्लियर डिस्टेंस, यस, एक्स नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। एंड क्योंकि एटम्स खुद स्फीयर्स हैं, पॉइंट्स तो है नहीं, ठीक है, तो उस एटम में भी कौन सा पॉइंट, न्यूक्लियस का पॉइंट, न्यूक्लियस स्पेसिफिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एक्चुअली न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, इस देखो सपोज ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली एक्स नॉट, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली एक्स नॉट। और इसका सुनो, एटम जो है वो यहां तक फैला हुआ है, सपोज ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ फर्स्ट एटम। ऐसा कुछ डायग्राम तुम बना सकते हो, मतलब क्या हो जाएगा भाई, ओ सॉरी, ये हो जाएगा दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ फर्स्ट एटम और दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सेकेंड एटम, और इसके बीच में क्या हो जाएगा भाई, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये बोलूं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, एक्स नॉट इज बॉन्ड लेंथ, बस ये इसका दो वर्ड का आंसर है। ये बताओ चमक रहा है क्या भाई तुम्हें, कैसे चमकेगा इतनी नींद में, क्या रजत कल बर्ड न्यू ईयर बैश में क्या हुआ भाई। कहाँ कुछ हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, घर पे बैठा क्या बात कर रहे हो यार,
हाँ सर, नहीं क्या कुछ भी। सबसे सैड न्यू ईयर हो गया तुम्हारा यार। सर सबका ही वैसा गया होगा, ऐसा अज्यूम करके बैठा हूँ। हाँ, देखो उत्कर्ष, देखो एकदम अभी उठा है, अभी मस्त एकदम। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। आपने किया होगा ना पार्टी? अच्छा मतलब अब तुम जैसे बोरिंग बोल रहे हो, वैसे ही हम लोग घर पे बैठ के ऐसे कुछ हमारे लिए अब छोटी चीजों में खुश हो जाया करते हैं रजत। हम लोग कुछ कर लिया, कुछ ऐसी पार्टी सर, वो दूसरों का देख के सैड हो गया है। का। अच्छा, थैंक्स यू, थैंक्स जोएब। ओके मनीष, गुड। बट बाय द वे, अच्छा पहले तो ये बताओ कि तुम्हें बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ में आ गया ना भाई अच्छे से? और बॉन्ड लेंथ जब तुमने डिफाइन कर दिया है, तो अब मुझे कोई ये बता दे कि वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, मैं इतना बड़ा गधा हूं? हाँ नहीं, गधा नहीं हूं, मैंने एक्स नॉट ही तो लिखा है। यस, अब वाई नॉट का जो पॉइंट है गाइज, वो क्या डिफाइन किया जाए? वाई नॉट, अच्छा वाई नॉट, वाई नॉट एक्सिस क्या डिफाइन कर रहा है पहले बताओ। वाई एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी। यस वाई एक्सिस इज गिविंग अस अ डेटा फॉर, इज गिविंग अस अ डेटा फॉर, किसका डेटा दे रहा है वो एनर्जी का? फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली वाई नॉट क्या है पहले ये बताओ। वाई नॉट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द सर जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो क्या हुई है बताओ, जो एक्चुअली क्या हुई होगी बताओ, रिलीज हुई है कि नहीं हुई है? रिलीज्ड, यस हाँ राधिका, हाँ रिलीज्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, किस प्रोसेस के दौरान रिलीज हुई है भाई? बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन। यस, ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जो आइसोलेटेड एटम से ए टू में कन्वर्ट हो गया, वही तो इसकी एनर्जी है ना भाई। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स सुनो, हम ऐसे ये भी तो बोल सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू डू व्हाट, दैट इफ गिवन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इफ गिवन, अगर तुमने वो दे दी उसको, ठीक है, तो वापस क्या होगा बताओ? इट ब्रेक्स ए टू, जो वो मिनिमा की स्टेज पे है ए टू, समझ रहे हो, यहां पे ए बॉन्ड है ना, वो ब्रेक करके वापस कहाँ चला जाएगा बताओ, सेपरेट होके इनटू ए एटम्स सेपरेटेड एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस। ये समझ में आया क्या? दिस इज कॉल्ड, ये एक्चुअली डेफिनेशन किसकी है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। वॉट इज बॉन्ड एनर्जी? इट इज द एनर्जी, मतलब ये उल्टा डिफाइन भी करते हैं, ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एक ही बात है। तुम उसको ऐसे डिफाइन करो कि इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, जैसे लैटिस एंथैल्पी था, तुम ये बताओ कि इतना लैटिस एंथैल्पी रिलीज हुआ है, ये बताओ कि देने पे लैटिस टूट जाएगा। दैट एक्चुअली मीन सेम थिंग, उसको वैल्यू सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, बस खाली साइन चेंज होगा।
तो तुम्हें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इस ग्राफ में दिखाई दिया भाई, ये इसका मतलब है। ये इसका मतलब है ठीक है भाई, तो इतना लिखा भाई। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यही सेम ग्राफ दो हीलियम एटम्स के लिए दूं, दो हीलियम एटम्स के लिए दूं, टू एच ई एटम्स, तो पहले मुझे बताओ कि जब दो एच ई एटम, ये एक हीलियम का एटम है, न्यूक्लियस है, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरा हीलियम का एटम है, न्यूक्लियस है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब दो हीलियम के एटम्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक, एच ई टू बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? एच ई टू फॉर्म होता है कि नहीं होता है? फॉर्म्स और नॉट? अरे सर वैंडरवाल फोर्सेस, ऐसी बातें कर रहे हो, एच ई टू कोई मॉलिक्यूल थोड़ी होता है बच्चों, तो डुप्लेट पूरा किया हुआ सामान है ना यार, वो तो खैर ये रीजन तो गलत है, बट वी शुड ऑल नो ना, हीलियम टू थोड़ी होता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता ना, देयर इज नो सच थिंग एज एच ई टू, राइट? हां सर, एच ई टू फॉर्म्स और नॉट, इसका आंसर बड़ा बड़ा नो है ना भाई, पागल आगल हो क्या भाई, ये तो तुम लोगों का है ना एकदम, जस्ट मैं 2 मिनट एक्टिविटी कर लूं भाई, मुझे संजित तुम क्लास में हो, यस सर, थैंक यू संजित, साई क्लास में हो, यस सर, अरे क्या बात है साई, शर्वर, यस सर, वेरी गुड, रोहित, पोलके, कुछ बोल दो रोहित, रोहित इज आउट, ओमकार क्लास में हो भाई, तुम कुछ बोल रहे थे ओमकार, तो मैं सुन नहीं पाया, ओके ठीक है ओमकार, जिया, यस सर, गुड, विश्वज्योत, यस सर, संभाजी, अक्षिता, यस सर, ठीक है भाई, बाकी लोगों से हम थोड़ी देर बाद में अटेंड लेते हैं। अच्छा, सभी को पता है ना कि हीलियम एग्जिस्ट्स एज, भाई एटलीस्ट नो, हमने ऑक्टेट रूल फेल कर दिया है, बट एटलीस्ट ये रूल के थ्रू ही सही, बट हमें इतना तो आइडिया है ना भाई, हीलियम एग्जिस्ट एज मोनो एटोमिक गैस, वो मोनो एटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, मतलब अगर मैं सैंपल लेता हूं हीलियम का, तो उसमें हीलियम के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते ना गाइस, दैट मींस इनके अंदर जो न्यू फोर्सेस हैं, जो एफ न्यू है, याद है एफ न्यू क्या था, याद है भाई एफ न्यू क्या था भाई, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, वो जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव का हमने लिस्ट बनाया था, तो जो उसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव में से कौन से फोर्स डोमिनेंट होंगे,
इस बात का आंसर हमें इस इंफॉर्मेशन से पता है। तो ये अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बताओ? रिपेल करते होंगे, तभी तो ये घुस नहीं पाए एक दूसरे के अंदर ना भाई। ठीक है, तो एफ एफ न्यू फोर्सेस में रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगे अट्रैक्टिव से। तो अगर मैं तुमसे इसका कर्व ड्रॉ करने को बोलूं सेम टू सेम इसी पोटेंशियल एनर्जी की तरह, तो कैसा दिखाई देगा बताओ? सर वो नेगेटिव में नहीं जाएगा ना सर, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। व्हाट्सएप पे भी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द कर्व टू बी रिप्रेजेंटेड? क्या भाई एक का ही आया है? तुम्हें जस्ट गेस करना है। नहीं 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 राधिका, ज्यादा नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी लग नहीं रही है बॉन्ड बनने में, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड बनने पे, तो तुम्हें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो लगेगी बॉन्ड तोड़ने में। ओके ओके अभिन्न, नाइस अटेम्प्ट एक्चुअली। अर्पित, कर्व को प्लॉट करके बताओ। थोड़ा शायद कर्व जैसा लग नहीं रहा हूँ, वो कर्व गलत है, बट फिर भी तुम्हारा अटेम्प्ट जो है वो एक्चुअली क्यूट है, गुड, मतलब वो हाँ ठीक है। अभिजीत का सही है, सही बात है। धनुष का भी सही है, सही बात है। बाकी जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो प्लीज कुछ कुछ सोच के, गलत ही सही लेकिन ड्रॉ करके दें। सत्यम का सही है, दैट इज गुड सत्यम, ठीक है। पांच लोग का आंसर आया मेरे पास में भाई, कम ऑन गाइस, 55 लोग ही। अच्छा संभा जी, अच्छा अनिया, अच्छा 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 अरे भव्य, इसका कर्व बना के भेजना है, दो हीलियम एटम्स का। ओके वेल डन ख्याति, दैट इज गुड। ओके तो इसका कर्व जो है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा गाइस कि अगर मैंने यहाँ पे एक्सिस लिया है, अगर मैंने यहाँ पे एक्सिस लिया है, ओके मैंने यहाँ पे अगर एक्सिस लिया है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है सपोज, तो क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स है, तो इन्फिनिटी पे तो एनर्जी अर्पित जीरो ही रहती है। बस अब यहां से जाना कहां था, नीचे की ऊपर, ये रास्ता जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, नहीं 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 वो मेरे फोन से गाने नहीं बज रहे थे भाई,
दैट्स नॉट मी. तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट लॉट में ही था भाई कोई. तो इसका मतलब क्योंकि फोर्स रिपल्सिव है इसलिए इसका जो मीनिंग ये है कि उसे कंप्रेस करने पे उसकी एनर्जी बढ़ रही है. तो एनर्जी बढ़ रही है तो तुम्हें इसको आगे ही लेके पास लेके जाओगे उतना वो गैस जो है वो एक्चुअली दूर जाना चाहता है. ठीक है तो दिस विल बी लाइक दिस ऐसा कुछ कवर रहेगा. चलो खैर ये मतलब अगर तुम्हें समझ सकते हो कि भाई जो स्पीशीज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं उनका कर्व किसको रिजेंबल करेगा आज से दो एटम्स के पास आने का डिस्टेंस हाइड्रोजन को और जो नहीं बनाती है उसका कर्व इसको रिजेंबल करेगा. तो कंक्लूजन क्या निकालें हम लोग इसका मतलब व्हाट डिड हाइड्रोजन अचीव. मैं इस बात का आंसर क्या लिखूं. थोड़ा नेट अनस्टेबल हुआ अभी थोड़ा सा कंक्लूजन में ये निकालता हूं. देखो मैं बताता हूं तुम्हें कंक्लूजन ये है इसके नीचे लिखो दिस इज सर उसका एनर्जी और कम होगा ना. किसका एनर्जी H2 का ओवरऑल एनर्जी तो ज्यादा स्टेबल रहेगा. हाँ बिल्कुल ज्यादा स्टेबल तभी तो H2 में जाना चाहता है. सही बात है ना तभी तो H2 में जाना चाहता है. हाँ सर. सर इन जनरल हम बोल सकते हैं फिर सारे मोनोटॉमिक के ग्राफ ऐसे ही दिखेंगे. हाँ हाँ जैसा जैसा हीलियम का वैसा ना. हाँ सर. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं जो नहीं बनाता है वो ऐसा दिखाई देगा. इनफैक्ट जैसे तुम ये बोल सकते हो कि जैसे थोड़ा सा N2 के बीच का कर्व जो है वो ऐसा दिखाई देगा. तुम दो मॉलिक्यूल्स को पास में लाओगे तो वैसा ही तो होगा जैसे दो एटम्स को पास लाते हो नोबल गैस का. खैर कंक्लूजन ये है कि टू न्यूट्रल हाँ किसके लिए ये ना. हाँ तो टू न्यूट्रल एटम्स विल हैव नेट अट्रैक्शन. अच्छा अब मैं यहां पे तुम्हें एक जो है थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड अ हीलियम एटम. ठीक है तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ तुम भी ड्रॉ करना उसे. वो कुछ ऐसा है कि एक हाइड्रोजन आटम जो है वो ऐसा है देखो 1s1 वो एक्चुअली ऐसा था. देखो कैसा कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था. दूसरा हाइड्रोजन आटम क्या था गाइस. ठीक है दूसरा हाइड्रोजन आटम क्या था वो ऐसा था H1s2 और उसका जो है शेप एक्चुअली ऐसा था इस तरह से. देखो एक उल्टा इलेक्ट्रॉन ऐसा. ठीक है तो ये वाला कैसा है गाइस. ये वाला एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. ठीक है और ये कैसा है गाइस. ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. तो ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 1s1 और 1s1 ये दोनों जुड़ के एक्चुअली किसमें कन्वर्ट हो गए गाइस. ये दोनों ओवरलैप हो गए एक ऐसे और एक ऐसे. ठीक है कुछ ऐसा हो गया देखो भाई ऐसा. ठीक है और ऐसा. ठीक है तो दोनों जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गए भाई. दे बोथ अचीव्ड अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल. ठीक है बोथ अचीव्ड अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल. इस डायग्राम को ड्रॉ करना एंड ये समझना कि हीलियम ने ये क्यों नहीं किया. ठीक है हीलियम के पास में शुरू से ही क्या था बताओ. फुली फिल्ड ऑर्बिटल. हाँ हीलियम के पास में शुरू से ही एक्चुअली हीलियम के पास में शुरू से ही
ठीक है, ये स्टेटस था। तो उसके पास स्टार्टिंग से ही हमारे पास में आदित्य, एक मिनट रुको गाइस, बस एक मिनट होल्ड करो। हाँ भाई आवाज आ रहा है? ओके, तो क्योंकि ये चीज जो है ये फुली फिल्ड है, ठीक है, देर इज नो अट्रैक्शन फॉर अनदर एटम। तो हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं गाइस, अब देखो इस बेसिस पे हम लोग ये पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये पूरा बनाएंगे। तो टू न्यूट्रल एटम्स विल हैव नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस, विल हैव नेट अट्रैक्टिव will have net attraction if, बताओ if क्या क्या होगा तो net attraction होगा? Half filled orbitals. Yes, if, क्यों भाई अर्पित होश में हो भाई? हाँ सर। If they both have, उन दोनों के पास में क्या हो बताओ? They both have what? रजत। अरे सो जाओगे दिक्कत हो जाएगा भैया। हाँ, इफ दे बोथ हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, दे बोथ हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, अलोंग दैट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं तुम्हें अभी, अलोंग दैट डायरेक्शन, सो दैट अ केमिकल बॉन्ड, सो दैट अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू ओवरलैप, क्या बताओ, टू ओवरलैप टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। Into two fully filled orbitals. इसको लिख लो भाई। हाँ भाई रजत, हाँ राधिका, हाँ चारू भी, हैरी तुम इतना लेट क्यों ज्वाइन किए हो भाई? कुछ टेक्स्ट या माइक पे बोल दो हैरी। हाँ बोलो हैरी, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तुमने, अभी डिस्कनेक्ट हुए थे। कमाल है। ओके ओके हैरी, ठीक है
सर अगर दोनों एटम्स के पास सेम स्पिन है इलेक्ट्रॉन वाला, हाँ सर, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? हाँ हम आ रहे हैं उस पे. सी एक्चुअली हाफ कंबाइन होके वन फुल डिफरेंट बनाना है. नहीं दो बनाएंगे ना बच्चे, शेयरिंग है ना यार वो, तो मतलब एक के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों को ऐड करेगा. हाँ हाँ ऑब्वियसली ना. ओके ये कुछ वो वाली बात हो गई, एक और एक ग्यारह होली. तुमने बात सुनी है कहावत भाई, अरे तुम्हारा एक था मेरा एक था, हम दोनों ने शेयर किया, तो अब तुम्हारे लिए भी दो हैं मेरे लिए भी दो हैं, ऐसा हो जाएगा ना यार. That doesn't mean हमने 2 plus 2 4 कर दिया, 1 plus 1 2 से, ऐसा थोड़ी है. सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस यस सर. अच्छा अनफॉर्चुनेटली हमारा स्लाइड लिखा हुआ सारा चला गया भाई. ठीक है पहली बात, तो मेरे पास तुमसे स्लाइड शेयर करने के लिए कुछ होगा नहीं आज. होस्ट कौन है भाई? जील एकेडमी है कि और कोई है होस्ट भाई? जील एकेडमी होस्ट है. रुकिए भाई मैं हमसे वापस परमिशन लेते हैं. हाँ भाई सॉरी भाई, क्या हम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें उम्मीद है तुमने वो स्लाइड लिख लिया हो भाई. सर वो जो अलोंग दैट डायरेक्शन था, मतलब वो एक पर्टिकुलर साइड में होना चाहिए. यस यस यस. अब प्रॉब्लम क्या है ना सोनल, एस ऑर्बिटल जो है उसका डायरेक्शन नहीं होता ना. हाँ सर. तो उसमें फर्क नहीं पड़ता. तो पी एस पी डी पी डी यस पी में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा. ओके गुड विवान. तो हाँ हाँ कोई नहीं मैम मैम ठीक है इट्स फाइन. तो मैं ये बोल रहा था कि इसके अंदर जो है, बस देखो जो स्पिन के लिए कोई बोल रहा था, तो स्पिन के लिए हम लोग एक बार अभी आते हैं. ठीक है अभिजीत, ठीक है. इस स्पिन में एक छोटा सा इशू है. स्पिन एक ऐसी चीज है, तुम्हें नोट नहीं करना है अभिजीत, कि तुम जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को अभिजीत बिना किसी एनर्जी के चेंज कर सकते हो. जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होता है तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई फोटोनिक कोई फोटोन का रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होता है. कंक्लूजन का लास्ट लाइन नहीं लिखा था. ओके कंक्लूजन का लास्ट लाइन क्या था भाई? कंक्लूजन का लास्ट लाइन था कि आई थिंक अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड
to overlap two half-filled orbitals into two fully filled orbitals. ये हमने शायद लिखा था. A chemical bond is formed to overlap two half-filled orbitals into two fully filled orbitals. ठीक है सत्यम? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. A chemical bond is formed. A chemical bond is formed. रिकॉर्डिंग है ना भाई. टू ओवरलैप टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इनटू, थैंक यू इवान, टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ये हमने लिखा था. ठीक है. अच्छा, एक एक जो है बात मैं अभी यहां पे नोट कर देता हूं. ठीक है, तुम इसको लिख लो. फॉर ओवरलैप बोथ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. ठीक है. अच्छा अभिजीत, इसमें एक छोटा सा बस कैच ये है कि ऐसा नहीं होगा कि एक एटम आया इसके साथ में और दूसरे, ठीक है, ओ एंड ही इज लाइक, ये भी ठीक है, ओ हम लोग बॉन्ड नहीं बना सकते. ऐसा नहीं होगा अभिजीत. अगर ये आ भी गए तो इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन तुरंत चेंज कर सकता है. इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है. ठीक है, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता और फिर बॉन्ड बना सकता है. तो कंक्लूजन ये है कि भाई बॉन्डिंग के बाद में हमको क्या दिखाई देगा, हमेशा स्पिन अपोजिट है. अब वो पहले कैसे आए थे डजंट मैटर. तो हमने यहाँ पे एक ऐसे रूल बना दिया है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद में तुम्हें स्पिन हमेशा अपोजिट मिलेगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. समझ रहे हो? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Yes. वो अब उनको कैसे पता चलता है वो तो खैर एक अलग बात है, हम लोग उस डिटेल में नहीं जा सकते. ठीक है, बस ऐसा होता है, बस अब ये ध्यान रखो. ठीक है, आउट ऑफ ऑल पॉइंट्स इस पॉइंट को हमें एट द एंड याद करना है भाई. ठीक है, तो इसमें मैं देखो मैं एक लास्ट चीज ये लिखवाऊंगा. देखो तुम्हें, टू केसेस आर पॉसिबल गाइज. देखो ध्यान से सुनना, यहां से टू केसेस आर पॉसिबल ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डिस्कस है, पता है. इन ऑर्बिटल ओवरलैप में दो केसेस पॉसिबल हैं. ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप सिंस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ वेव फंक्शन. क्यों भाई? ऑर्बिटल एक्चुअली एक वेव फंक्शन है. तो भाई जब वो वेव फंक्शन है तो क्या है कि वेव्स जब भी इंटरफेयर करती हैं तो ऑर्बिटल ओवरलैप एक्चुअली एक तरह का वेव इंटरफेरेंस है. ऑर्बिटल ओवरलैप इज एक्चुअली एनालॉगस टू, ये किसके एनालॉगस है बताओ? ये वेव इंटरफेरेंस के एनालॉगस है. अब बताओ सभी को ये वर्ड याद है, इंटरफेरेंस? यस. उसमें ऐसा था गाइस कि एक 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 मेरे पास में ऐसी वेव आ रही है और एक ऐसी वेव आ रही है. ठीक है, और दूसरा केस था एक मेरे पास में ऐसी वेव है और एक ऐसी वेव है. हाँ सर, याद है. तो इसी तरह से इसका मैं हेडिंग डालता हूं. देखो, एक था कंस्ट्रक्टिव और एक था डिस्ट्रक्टिव. अब यहां पे भी क्या है, ठीक है. अच्छा, यहां पे एक एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइज. बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको नाम तो देते हैं. देखो, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस. बट बच्चा जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, कि अभी इस वेव का एम्पलीट्यूड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने लिख दी है, ये साइन पॉजिटिव और ये साइन नेगेटिव जो मैंने लिखा है, ये साइन पॉजिटिव जो मैंने लिखा है, दीज आर नॉट
क्या चार्ज। यस, ये बात मैं तुम्हें एक्चुअली समझाना चाहता हूं कि तुम इसको क्या समझ रहे हो मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चार्ज मत समझना प्लीज। इट इज बेटर टू एक्सेप्ट कि नहीं समझ में आया देन टू अंडरस्टैंड इट रॉन्ग। कुछ भी ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा मोशन है, ठीक है, जो चार्ज नहीं है, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो गाइज हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, ये कुछ उसका डायरेक्शन है। तो अगर वो ऑर्बिटल ओवरलैप कंस्ट्रक्टिव हुआ तो क्या होगा भाई, तो कुछ ऐसा होगा कि ये दो एटम थे, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन था, सॉरी स्पिन नहीं, ऑसिलेशन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, वो सपोज मैं यहां पे प्लस और यहां पे प्लस कर देता हूं, ठीक है, और जब ये इंटरफेयर करके, देखो जब ये एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करके, मतलब जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा ये, तो बताओ इस रीजन के अंदर कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, जब इस रीजन के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब गाइज इंटरफेरेंस होगा, तब क्या है भाई, एक 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब ये बताओ मुझे, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, कोई मुझे ये बताए, और अगर है तो क्यों है? सो डिपेंड करता है ना किस टाइप, मतलब द क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। जैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करो, मतलब किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, अच्छा है या बुरा है, वैसे किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? अगर एनर्जी पर डिफरेंस आएगा तो फिर अगर कंस्ट्रक्टिव में ज्यादा एनर्जी होगा तो फिर उसके लिए बुरी बात है। नहीं सुनो, अच्छा मैं इसको पहले, मैं तुम्हें पहले डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लेन करता हूं। ओ गॉड, फिर नेट हल्का सा अनस्टेबल है मेरा आज। चलो मैं तुम्हें पहले डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम कंस्ट्रक्टिव पे आते हैं। सुनो, अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ गाइज, ठीक है, सपोज ये दोनों एक दूसरे के पास में आए, एक प्लस था एक माइनस था, इन्होंने ओवरलैप कर लिया इस तरह से, तो इस एरिया में जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। नाउ डू यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम वेव्स कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां से वेव जो है, उसमें तो समझ में आया क्या होता है, बट इसमें क्या होगा वो? हाँ हाँ, अच्छा बताओ डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, तुम बताओ सर। मतलब दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं तो दो वेव्स अगर जो है सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो इसमें होगा क्या, देखो इसके अंदर जो है ना, ये एक्चुअली बीच में क्या होगा गाइज, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसके अंदर बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एड अप होके ऐसे इंक्रीज कर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है ये एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आउटकम है। और बताओ यहाँ पे क्या है, बताओ न्यूक्लियस ए, और यहां पे क्या है बताओ, न्यूक्लियस बी, और अगर ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरह काम कर रही है, ये ग्लू की तरह काम कर रही है, किसके बीच में ग्लू की तरह काम कर रही है, दोनों न्यूक्लियस में। इट्स दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्चुअली होल्डिंग दीज न्यूक्लियस, ठीक है, ये बहुत ही हरक्यूलियन काम कर रहा है, हर्क्यूलियन काम समझते हो रजत? सर नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब बहुत डेयरिंग काम ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ही मेहनत वाला काम है हर्क्यूलियन, मतलब
ठीक है, ये तुम लोग का टाइम पे आ जाना सुबह सुबह 9 बजे, वो मेहनत वाला काम बहुत, तो वो एक्चुअली वो ना दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करके रख रहा है, ये होल्ड करके रख रहा है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं गाइस, बॉन्डिंग बोलते हैं ना। तो अगर हमारे पास में ऐसा हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो इसका नतीजा क्या होगा पता है, कि जब वेव्स दोनों के एक दूसरे के पास में आएंगी तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। तो बताओ मुझे गाइस कि नॉर्मल जो डेंसिटी, नॉर्मल जो हाइट होती है इसकी, यहाँ बीच में हाइट उससे भी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन क्या होगी बताओ, कम या ज्यादा? कम। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीच से गायब हो गया, डिक्रीजेस, ठीक है, इमीडिएटली क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे एक दूसरे के सामने, रिपेल करेंगे, दे गेट एक्सपोज्ड, ठीक है, एंड रिपेल्ड, वो एक्सपोज और रिपेल हो जाएंगे एक दूसरे से। एंड जो भी कुछ बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, एनी बॉन्ड फॉर्म्ड इज डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं होता होगा? नहीं, इसलिए इसलिए कभी भी जब भी बॉन्ड बनता है, अ बॉन्ड कैन ऑलवेज बी फॉर्म्ड, अ बॉन्ड कैन ऑलवेज बी फॉर्म्ड, ऑलवेज बी फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, when electron density is high between two nuclei, between two nuclei, ठीक है, and so interference must always be क्या, constructive। ये हमारा conclusion है। You are at the heart of valence bond theory. जल्दी कॉपी करो इसे।
आई एम सॉरी ये हमारा इस ऑर्बिटल ओवरलैप का कंक्लूजन है और कहाँ चला गया यार. हाँ ठीक है, और मैं बस तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप्स के डायग्राम्स बता रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप्स के डायग्राम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो सबसे पहला क्या है, सुनो, सबसे पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सियल ओवरलैप. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैप. अभी आवाज आ रही है ना, अभी सुन, ठीक है ना. हाँ, एक्सियल ओवरलैप इसका नाम. अच्छा, तुम लोगों ने ऐसा नाम, तुमने नाम सुना है सिग्मा बॉन्ड का? यू नो समथिंग कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड? यस सर. हाँ सर. हाँ सर, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं उसे. ओके, दिस इज एग्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैप. शायद किसी क्लास में सर ने कुछ हिंट दिया हो, शायद कि ये पे क्लास में हुआ हो, किसी और चीज में हुआ, बट वट एवर इज द केस, सिग्मा बॉन्ड. वट इज एग्जैक्टली ए सिग्मा बॉन्ड? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैप भी बोलते हैं. हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन इज लाइक, मतलब जैसे दो दो बुल्स लड़ रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन दे चार्ज टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, व्हेन दे चार्ज टुवर्ड्स ईदर विद, ठीक है, विद देयर हेड्स ऑन, ऐसा कुछ. दो जो हैं वो लड़ने के लिए एकदम बिल्कुल जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्राइक करने वाले हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है. ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैप क्या है, व्हेन और हेड ऑन ओवरलैप व्हेन ओवरलैपिंग रीजन, व्हेन ओवरलैपिंग रीजन region lies on the direction of approach, or internuclear axis. ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. इसको छापो जरा. आई थिंक ये हमारी थर्ड स्लाइड होती. ठीक है, मैं हो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. सर एक मिनट. सर बेसिकली कोई भी जो नॉर्मली जब बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा ना.
सॉरी भाई, हाँ आई एम सॉरी, थोड़ा इधर उधर होना पड़ रहा था। हाँ मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ भाई। सर हम जो भी ऐसे नॉर्मली जो बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना? हाँ, देखते हैं अभी हम लोग, हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्या बॉन्ड बनाते हैं। इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या है, देखो टाइप्स हैं वेरियस। सबसे पहला टाइप क्या है, देखो अब कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो एक टाइप है कि एस एस का ऑर्बिटल ओवरलैप करे, ठीक है, एस एस का एक्सियल ओवरलैप हो, ठीक है। एक टाइप है बी, बी क्या है एस पी का एक्सियल ओवरलैप हो, ओवरलैप हो। और एक टाइप है सी, सी क्या है भाई पी पी का एक्सियल ओवरलैप हो। अब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हर तरह का ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर सकता है। इसके आगे भी होते हैं लेकिन डी वगैरह का ओवरलैप हम लोग पढ़ते नहीं है इतना। एस 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 पी और पी पी। तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि ओवरलैपिंग कंडीशन क्या थी भाई हेड ऑन ओवरलैप में, कि मेरे पास में एस के अंदर क्या होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है तीनों के अंदर। देखो सेम सेम सी रिक्वायरमेंट है, तुम भी अगर ऐसे लिख पाओ तो, या सबको अलग अलग देखो। रिक्वायरमेंट मेरे पास में इसको पढ़ने की ये है कि मेरे पास में एटम वन, एटम वन विद हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल हो। क्यों भाई, हाफ फिल्ड ही तो ओवरलैप करेगा ना भाई, विद हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल हो। एंड एटम टू ऑल्सो विद हाफ फिल्ड, ऑल्सो विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। सर ऑपोजिट स्पिन भी ना? हाँ अपोजिट स्पिन भी, अपोजिट स्पिन तो जरा अंडरस्टूड ही है सर, बट अपने सारे कि सिंगल स्पिन में कभी भी वो अपने आप ऑपोजिट कर लेगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो सर। आपने बोला था कि सिमिलर स्पिन में कभी भी वो ऑपोजिट कर लेता है। हाँ हाँ वो मतलब कर लेगा, मतलब वो अब मतलब इसलिए मैं उस पॉइंट को मैं बार बार पॉपअप नहीं करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हाइड्रोजन ही है वो। तो भाई हाइड्रोजन होगा, देखो ये एच हो गया एक एटम, इसको अपन अच्छे से बनाएं अगर तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, हाइड्रोजन का एक एटम ये एच हो गया, दूसरा एटम जो है हाइड्रोजन का वो एच हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताओ, इसके अंदर एक एक जो है इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला हो गया, ठीक है। और बताओ ओवरलैपिंग रीजन को देखो एक बार जरा, मैं इसको शेड करूंगा अगर ओवरलैपिंग रीजन को, देखो ये है ओवरलैपिंग रीजन। तो ये ओवरलैपिंग रीजन जो है ये एक्चुअली क्या है बताओ, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये बताओ किसके ऊपर लाई कर रहा है गाइस। तो व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है, ये न्यूक्लियस है, सुनो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बोलो भी सबको समझ में आया? यस यस। इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अरे कुल मिला के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है यार, दो न्यूक्लियस को जोड़ दो बस, वही तो है। तो ये रीजन बताओ इसके ऊपर कर रहा है ना, ये जो रीजन है ये इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, दिस इज लाइंग ऑन, लाइंग ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
अच्छा ये हो गया SS ओवरलैप। अब जो है देखो SP ओवरलैप कैसा होगा बताओ भाई। हाँ, वो चीज, ये चीज बॉन्ड लेंथ है और ये पूरी लाइन एक्सिस है ना भाई, ये लेंथ इतना बॉन्ड लेंथ है बट ये लाइन तो पूरी एक्सिस है ना। अच्छा SP ओवरलैप कैसा होगा भाई, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है पहले बताओ। इसकी जो है रिक्वायरमेंट क्या है, एस इसकी ऑर्बिटल रिक्वायर, वाला हाफ फील्ड। यस, एक मुझे क्या चाहिए, एटम वन चाहिए मुझे जिसके अंदर एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो। तो भाई वो तो मैं हाइड्रोजन ही ले लेता हूं, और मुझे एटम टू चाहिए, एटम टू चाहिए जिसमें क्या हो बताओ, जिसमें पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हाफ हो। अच्छा एक चीज नोटिस करो, मैंने मैंने पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड बोला है, मैंने पी सबशेल नहीं बोला है। मतलब मैं इसके अंदर क्या ले सकता हूं बताओ, लेट से मैंने एफ ले लिया, देखो अगर मैंने एफ ले लिया गाइज, तो बताओ मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 ये हो जाएगा, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंशियल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है फ्लोरीन का, 2p1, 2p1 नहीं, सॉरी 2s2 2p5 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 ठीक है। तो 2s2 जो है, सब जग रहे हैं ना, ओके वैसे जग रहे हो ना, सो गया। सर ये ऐसे ही लिखना है क्या, मैंने पहले SS का लिख दिया फिर नीचे SP का लिखूं तो चलेगा? हाँ चलेगा भाई, चलेगा चलेगा, तुम्हें जर्नल लिखने का मार्क्स थोड़ी मिल रहा है भैया। हाँ सर, रजत कहाँ है कथा, टू एस टू जो है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2s2 और 2p5 ऐसा हो जाएगा गाइस। नाउ कम्स द पार्ट कि एक दो तीन चार और पांच, देखो अब बताओ बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, देखो पी एच सबसे का लास्ट ऑर्बिटल हाफ यस। लेकिन पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एज इन बस एक चीज हाफ फिल्ड होना अरे चाहिए। ऑर्बिटल किसे बोलते हैं भाई, वही तो होगा ना पी यहाँ। सबशेल का सर मतलब पी सबशेल का एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना हाँ चाहिए। भाई मैं फिर रिपीट कर हाँ रहा हूँ, भाई ऑर्बिटल ऑर्बिटल किसे बोलते हैं वो बस बोल रहे हैं शुरू से। हम तो हमेशा से देखो ना, तो भाई ये चीज फुली फिल्ड है, इसके अंदर प्रॉब्लम है ना भाई मेरे पास में। तो फ्लोरीन में क्या होगा, देखो फ्लोरीन में क्या होगा कि ये एक्चुअली यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे, देखो ऑब्जर्व दिस, एंड एक फ्लोरीन का जो पी है वो ऐसे ऐसे, और ये वाला पी, अगर ये पी एक्स है और ये पी वाई है और ये पी जेड है गाइस, इसका मतलब ये वाला पी कौन सा पी है भाई, पी पी जेड है। तो बाकी दोनों पी जो हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है गाइज, देखो सुनो ये वाला पी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, और ये वाला पी जो पीछे है इसके, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, समझ रहे हो। सर मतलब ऑक्सीजन में पी वाई और पी जेड रोल प्ले करते हैं। अब ऑक्सीजन में, हाँ ऑक्सीजन में, मतलब वो दो नाम जरूरी नहीं है यार पे, बट दो, हाँ मतलब पिन पॉइंट कैसे मतलब इस केस में अगर वैसे ही हम लोग ओरिएंटेशन हाँ क्या चीज पिन पॉइंट करनी है बेटा बताओ। ये कैसे पिन पॉइंट कर पा रहे कि मतलब बस पी जेड ही खाली रहेगा, अरे मतलब वो तो नहीं हम यार ये नहीं एग्जांपल कर दे पा रहे रहे हैं हम ना। लोग, ये थोड़ी अरे वो बोल रहे हैं, एग्जांपल है। हाँ भाई वो तो रैंडम लिया है हमने। ये बताओ मुझे कि इसका सिग्मा बॉन्ड कहाँ है, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये वाला बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, हाँ सर क्योंकि ये किसके ऊपर लाई कर रहा है,
तो इसलिए हमने ये प्रूव किया कि फ्लोरीन की वैलेंसी वन क्यों है बताओ, क्योंकि उसके पास में एक ऑर्बिटल में एक मतलब हाफ फील्ड है ऑर्बिटल एक, तो बस बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी लॉजिक से देखो हम लोग ये बना सकते हैं, क्या बताओ सर? डाउट है सर। सर CH4 कैसे बनेगा इस लॉजिक से? हेलो आई थिंक मैं होस्ट नहीं होऊंगा। सर वापस स्लाइड्स है सर। अरे स्लाइड्स कहाँ हैं बच्चे? स्लाइड्स नहीं हैं। चलो ठीक है, हम लोग क्लास को एंड करते हैं अभी, तुम ब्रेक लो। रिकॉर्डिंग मैम से बोलूंगा, वो जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करेंगी। मेरा नेट थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है भाई आज। होपफुली जिन्होंने वो सुना है वो H2O और NH3 को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। सर CH4 में कैसे होगा? अरे तुमने तो एकदम दिल की बात छीन ली। हम आते हैं CH4 में नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल तब तक के लिए मैं भी क्लास एंड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो भाई, बाय 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 सर।